तो अभी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम है स्विच स्टेटमेंट के, और वो प्रॉब्लम ये है कि अब जब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो अगर हम कैपिटल ए दबा रहे हैं, कैपिटल बी दबा रहे हैं, कैपिटल सी दबा रहे हैं, तो कोड सही परफॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर हम कैपिटल की जगह स्मॉल लिखेंगे तो वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, डिफॉल्ट पे चला जाता है। इसको सही करने का क्या जरूर तरीका है, इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और वो सही हो जाएगा। मैं इसको सेव एज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 17 और स्विच स्टेटमेंट केस सेंसिटिविटी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूजर चाहे स्मॉल ए लिखे या कैपिटल लिखे, दोनों सूरतों में वो प्रोग्राम रन हो, तो इसी प्रोग्राम के अंदर आपने चेंज ये करना है, इस केस से पहले एक और केस बता दें, केस और उसमें स्मॉल ए डिफाइन कर दें, आप कॉलन लगा दें, ठीक है, और इसी तरह से सेम सिचुएशन बी के साथ कर दें, ठीक है, और यहां से इसको रन कर दें, और यहां पे जाने के बाद आप चाहे कैपिटल ए लिखें चाहे स्मॉल ए लिखें, यहां से केस सेंसिटिविटी रिमूव हो जाएगी और यूजर आसानी से अपना सिलेक्शन बना सकेगा। हाँ, अगर कोई और लेटर दबाएगा तो यू डिड नॉट प्रेस ए बी सी डी, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तो किस तरह से हम दोनों को कंपेयर करा सकते हैं, और माइट भी तीनों को भी करा सकते हैं अगर तीसरा भी कोई ऐसी चॉइस होती, यानी कि अगर तीन चॉइस किसी एक पे डालना चाह रहे हैं तो उस केस एक साथ एक के नीचे एक बना दे तो वो ऑटोमेटिकली उसको कर लेगा। लेकिन याद रहे, यहाँ पर कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते केस में, यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेक करेगा ना वेरिएबल, तो यहाँ बताएंगे उसको।